दो बार आपने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है और जिनके जिनको हराकर आप आई हैं, इस बार उन्हीं के साथ गठबंधन है, कोई चुनौती आप देख रही हैं मथुरा में? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारा काम करना चाहिए। हमारे लोधी जी हैं, हमारे सारे हमारे नेता लोग हैं, सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे वी आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ हम जीतेंगे ठीक है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा में हमें जीतना है, ये ज़रूरी है। तो मथुरा की बारी है, भव्य मंदिर। हाँ जी, हाँ जी मैम। उन्होंने कितना काम किया है, औरतों के लिए उज्ज्वला कनेक्शन है, आयुष्मान कार्ड है और घर मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कोई नहीं कर रहा वो ये सरकार कर रही है, हम तो इसी को वोट डालेंगे। ये इसलिए जीतेंगी जो मोदी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, डबल इंजन सरकार, जो विकास की योजनाएं हैं जो पहले आती थी लेकिन धरातल पे नहीं उतरती थी, वो सारी चीज़ें आज धरातल में बहुत अच्छे से उतर रही हैं। इसी कारण हम लोग बार बार बीजेपी सरकार को चुनना चाहते हैं। मोदी जी का विचार है जो वृंदावन को भी हम राम अयोध्या जैसे वृंदावन को भी सजा दे और कृष्ण को स्थान दे, मंदिर बनावे, बहुत अच्छा काम है। मोदी जी की जयकार हम लोग मनाते हैं। हमारी कृष्ण जन्मभूमि बनेगी और अवश्य बनेगी। हाँ जी, हमें उद्देश्य है कि हमारे कृष्ण भगवान हमारे ब्रज में आए और हम लोगों का आनंद दें और हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद करें हमारे कृष्ण भगवान। कौन लाएगा कृष्ण भगवान? हमारे कृष्ण भगवान को ले आएगा योगी और मोदी। राधा रानी बिनती सुनो मेरी, राधा रानी सबकी इच्छा को पूरी करती हो पल भर में तुम, सुन लो मेरी। राधा रानी बिनती सुनो मेरी राधा रानी। अब की राधा रानी मथुरा में किसकी इच्छा पूरी करेंगी? सबकी करती हैं राधा रानी तो इच्छा पूरी, ये तो पक्का है कि मोदी जी ही आएंगे। राधे राधे।